तमाम विवादों के बाद अपनी फिल्म पद्मावत की सफलता से गदगद फिल्मकार संजय लीला भंसाली ने कहा है कि इस फिल्म को बनाने और रिलीज करने का ख्याल छोड़ने की उनके पास कई वजहें थी, लेकिन उन्होंने हार मानने जैसी बात कभी नहीं सोची। भंसाली ने कहा कि उन्हें शुरुआत से ही दिक्कत का सामना करना पड़ा और उनके पास 3 कहानियां थी जिनको लेकर कोई दूसरी फिल्म बनाई जा सकती थी, लेकिन पद्मावत उनके लिए हमेशा से विशेष रही। वर्ष 1988 में प्रसारित भारत एक खोज के एक भाग में रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी को दिखाए जाने का हवाला दिया और कहा कि उस वक्त माहौल बेहतर, अधिक रचनात्मक और अधिक उदार था, लेकिन मौजूदा दौर को लेकर फिल्मकारों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। फिल्म पद्मावत को लेकर राजपूत संगठनों ने विरोध किया था और फिल्म के सेट एवं कई सिनेमाघरों में तोड़फोड़ की गई थी। राजपूत संगठनों का कहना था कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली फिल्में बनाना जारी रखेंगे, तो भंसाली ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली फिल्म बनाना छोड़ने का फैसला करूंगा, लेकिन इस तरह की स्थिति में फिर नहीं पड़ना चाहता। हर कहानी की अपनी किस्मत होती है, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।